किसी का नहीं है, जो काम करेगा उसका गढ़ है। वो इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, किसने दे रहे हैं कि हमने यहाँ काम करे। आज चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह विकास के मुद्दे अलग अलग। विधानसभा में जाकर एक वीडियो बना के मुद्दा उठाते थे, उसके बाद मैं समझता हूँ फाइलों को लेकर घूमना पड़ता है। प्रयास ही जब जिस चीज के ऊपर नहीं होंगे तो वो काम कैसे होगा। मैं समझता हूँ सोनीपत की जनता निखिल मदान बन के लड़ रही है। प्रदेश के जो विधानसभा का चुनाव है इस कदर हो गया है कि प्रत्याशी ना केवल अपने हल्के की खाक छान रहे बल्कि गली गली की खाक छान रहे और प्रत्येक मतदाताओं से नजर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े नेताओं का भी प्रचार शुरू हो गया, लेकिन फिलहाल प्रत्याशी 1-to-1 लोगों से बात कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम सोनीपत विधानसभा की सीट है, बड़ी हॉट सीट है। सोनीपत की जितनी विधानसभा सीट है हुड्डा इनको अपना घर मानते हैं। क्या बात है, इस बात हुड्डा के गढ़ को तोड़ने की क्या तैयारी है? मैं समझता हूँ गढ़ किसी का नहीं है, जो काम करेगा उसका गढ़ है। आज बाबा के लोनी के अंदर हम लोग खड़े हैं, आज यहाँ सारी महिलाएं खड़ी हैं, जो सारे बुजुर्ग खड़े हैं, जो आज इन्होंने इतना आशीर्वाद दिया। हमारे चुनाव में जब हम यहाँ आए थे ये सारी गलियां कच्ची थी, जब मेयर का चुनाव था जी। हमने आज यहाँ पर सीवर लाइन डलवाई, गलियां करवाई, एक एक चीज यहाँ पर हमने करने की कोशिश करी। आज यहाँ पर एक समस्या है, पानी की समस्या, जो कि इनका काम चल रहा है। कालूपुर चुंगी के ऊपर एक हम टैंक बना रहे हैं जहाँ से इनकी सप्लाई आनी है, वो भी एक महीने का काम रह गया। मतलब आज आप ये देखिए लोगों के अंदर इतना उत्साह है, जोश है, वो इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, किसलिए दे रहे हैं कि हमने यहाँ काम करे। दूसरे जो प्रत्याशी हैं हमारे सामने यहाँ आए नहीं, इधर से आके लोगों की समस्या नहीं सुनी। आज आम जनता यहाँ की एक बात कह रही है कि जब भी वो मेरे पास आए, मेरे से जो काम बन सकता था मैंने उसी की हाँ करी, जो नहीं हो सकता था मैंने उसके लिए मना किया, भाई ये मेरी कलम से नहीं हो सकता। आज लोगों के अंदर एक उत्साह है, जोश है, और मैं समझता हूँ आज पब्लिक को सब पता है, जनता जनार्दन है, सब जानती है कि कौन उनके बीच में रहा, किसने विकास कार्य करवाए। और आज विकास कार्य के रूप से ही पब्लिक को आशीर्वाद, पब्लिक आशीर्वाद दे रही है, किसी भी कैंडिडेट को देगी। विकास के जो बात कर रहे हैं आप, कभी गए दिनों में विकास की जो जोड़ी थी आपकी और सुरेंद्र की होती थी, अब वो जेल में है। आपने एक बात कही कि वो सहानुभूति बटोरेंगे, वो बटोरेंगे बटोरेंगे, उससे पहले आपने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया भाई वो आए सहानुभूति नहीं, वो तो इस काम में लगे हुए हैं पहले से। अच्छा। बात क्या है, सहानुभूति की नहीं है, आज जनता को पता है 4.5 साल सोनीपत के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज अगर सिर्फ एक ही बात के ऊपर चुनाव करेंगे, आज चुनाव है मुद्दों के ऊपर, माहौल के ऊपर। नगर निगम जो कर सकता था हमने किया, और नगर निगम के माध्यम से पूरी कोशिश करी, पूरे प्रयास करे, जो हम इन 3-3.5 सालों में करवा सकते थे, जिसके अंदर आचार संहिता लोकसभा की भी रही, हमारी अब विधानसभा की भी चल रही है, कोविड भी रहा, सब कुछ रहा, उसके बावजूद भी आज हर एक वार्ड के अंदर हमने काम करके दिखाया है। आज जनता इस बात को जानती है, जो जोड़ी थी जब तक थे साथ में थे, आज चुनाव की जो बात है ये लड़ाई सोनीपत के विकास के मुद्दों के ऊपर लड़ाई है। उस समय भी जो काम होते थे नगर निगम के माध्यम से होते थे, हम लोगों ने वो काम करवाए, हमारे पार्षदों के साथ मिलकर वो काम कराए, और जो प्रयास हुए वो हमारे अपने पूरे हलके के लिए हुए। आप मुद्दों की बात कर रही, मैं लगातार कांग्रेस भी कवर कर रही हूँ, बीजेपी। कांग्रेस कहती है कि किसान आंदोलन, सरपंच पीटे, खिलाड़ी आंदोलन, और विकास तो हुआ ही नहीं, बेरोजगारी, अग्निवीर, वो भी तमाम मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। क्या शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके कोई मुद्दों में फर्क है? बहुत, कई चीजों में बड़ा फर्क है। और दूसरी बात, जहां तक बात है आज हमारे किसान की, किसानों की, किसान देश का अन्नदाता है। हरियाणा में सरकार ने आज MSP लागू करी, पूरे देश में पहला प्रदेश ऐसा हरियाणा है जिसने MSP लागू करी। उसके बाद जहां तक बात है आज विकास के मुद्दों की, आज हर एक, आज चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह विकास के मुद्दे अलग अलग हैं। आज हमारे यहाँ पर शहर के अंदर जो बड़े मुद्दे हैं, वो आज हमारा बस स्टैंड शहर से बाहर जाना चाहिए था, वो नहीं लेकर जा पाए। आज हमारे शहर के अंदर सिविल हॉस्पिटल में सुविधाएं और बढ़वानी चाहिए थी, पहले अनिल ठक्कर जी MLA बने, उन्होंने अपने समय में करवाई, उसके बाद कविता जैन जी बनी, उन्होंने करवाई, इन्हीं 5 सालों में क्यों नहीं हुआ? सिर्फ एक जो बात करते थे, विधानसभा में जाकर एक वीडियो बना के मुद्दा उठाते थे, उसके बाद मैं समझता हूँ फाइलों को लेके घूमना पड़ता है। आज आप वार्ड नंबर 14 में आए हो, आज ITI रोड है हमारा। एक बीच में टोकूंगी, सबका साथ सबका विकास, फिर वो जो सबका साथ सबका साथ है तो विपक्ष में कोई बैठा है वो बात उठाता तो सरकार को काम करना चाहिए उस पे। मैं आपको इस चीज का जवाब देना चाहता हूँ, आज ऐसे विपक्ष के विधायक भी हैं
जो कांग्रेस के हैं, जिनको आज विधानसभा में हमारी सरकार ने सम्मानित करने का काम भी किया, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे काम करवाए हैं। आपको काम करवाने के लिए फाइल लेकर जाना पड़ता है, फाइल लेकर घूमना पड़ता है, उसके ऊपर प्रयास करने पड़ते हैं। एक प्रयास ही जब जिस चीज के ऊपर नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। आज हमारे सोनीपत की जो छोटी सरकार, नगर निगम की सरकार होती है, जिसमें पार्षद अपना मुद्दा रखता है, अपनी एजेंडा रखता है, एजेंडा के बाद काम करवाने के लिए जेई एसडीओ के साथ घूमना पड़ता है, तभी वो काम होता है। मतलब वो घूमे नहीं, कुल मिला के कोशिश ही नहीं करी ना, कोशिश नहीं करी तो काम कैसे होंगे। चुनाव कहां तक पहुंचा निखिल भाई? मैं एक बात समझता हूं, मेरा चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव, सोनीपत के मुद्दों की लड़ाई है। और मेरा चुनाव, मैं समझता हूं, सोनीपत की जनता निखिल मदान बन के लड़ रही है और पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। और आज सोनीपत की जनता के अंदर एक खुशी का माहौल भी है और एक गुस्सा भी है कि 19 में जो हमने गलती करी, इस बार दोबारा नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ निखिल मदान। ये भी अगर जीत कर जाते हैं तो सबसे युवा, इस बार अलग नजारा होगा विधानसभा में, कई युवा जीत कर जाएंगे, क्या लगता है आपको? जीत के जाएंगे जी, जीत बीजेपी की आओगी सीट और फुल कावेगी, और हम तो बीजेपी सरकार तक कति खुश है। कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया, 48 दिन में सिलेंडर मिल लिया करता, और आज है 24 घंटे किसी भी टाइम हम बुकिंग करावे हैं, सुबह हमारा सिलेंडर घर तक नहीं, रसोई तक इलाके जा है, बहुत सुख हो रहा है। और भी कुछ लोगों से पूछेंगे, क्या लगता है आपको इस बार सोनीपत वाले क्या कर रहे हैं इस बार? ये बताएंगे, ये भी नहीं बता रहे क्या माहौल बना रखा है। और आगे देखेंगे हाँ। अभी मन नहीं बन पाया है, टिक नहीं पाया है, कुछ और भी महिलाएं हैं। इस बार किसको, किसकी गड्डी पार करवा रहे हो? फुल की निखिल मदान। अच्छा, हमारे यहाँ पर निखिल मदान। अच्छा, पर पानी का वो ये कह रहे हैं इस बार फूल पे मोहर लगेगी निखिल मदान की गड्डी पर, क्या है? निखिल वो कमल का फूल। कमल का फूल, कमल का फूल। अच्छा, पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे निखिल मदान का भी कार्यक्रम था, काफी सारी महिलाएं थी, और मैं थोड़ा सा इनसे भी पूछ लेती हूँ। बाबूजी, इधर तो सारे कमल के फूल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम भी कर रहे हैं। हम कमल के साथ हैं। लगा रहे हैं, कमल के साथ हैं हम। अगर ना होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ से अपने कार्यक्रम कंप्लीट करके गए हैं। विकास बनाम विकास की लड़ाई है इस सोनीपत में। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ मुद्दे अलग हैं, लेकिन शहर में कुछ अलग हैं। ये रंग और ये नजारे हम फिर किसी शहर में जाकर कैद करेंगे अपने कैमरे में। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।